महात्मा मधेपुरा द्वारा जिले में कृषकों के बीच काले धान की जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने की वजहों की बात करें तो काला धान जहां सामान्य धान की तरह ही सभी मौसमों में इसकी खेती की जा सकती है, तो वहीं कृषकों को सामान्य धान की अपेक्षा इसकी बिक्री से इन्हें अपेक्षाकृत अधिक लाभ भी होता है। तो वहीं काले धान में पाए जाने वाले औषधीय गुण की वजह से यह स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभप्रद है। तो वहीं इसकी जैविक तकनीक से खेती कर इसकी खेती में आने वाली लागत को कम रखते हुए काले धान के मौलिक गुणों को भी संरक्षित रखा जा सकता है। यही वजह है कि आत्मा मधेपुरा ने महिला और पुरुष कृषकों के बीच हर संभव सहयोग उपलब्ध करा अधिक से अधिक क्षेत्रफल में काले धान की जैविक खेती को बढ़ावा देने में जुटा है। और इसी क्रम में यहां महिलाओं के कृषक हित समूह बना विभागीय योजना के अनुरूप परिभ्रमण, प्रशिक्षण और प्रत्यक्षण सहित किसान पाठशाला जैसी कृषक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे काले धान की जैविक खेती से कम लागत में भी गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन का लाभ लेने की तकनीक सिखा काले धान की जैविक खेती को कृषकों के बीच प्रचलित कर अधिक से अधिक महिला और पुरुष कृषकों को सफलता प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज मधेपुरा जिले में कई महिला और पुरुष किसान न सिर्फ काले धान की जैविक खेती कर इसकी खेती में आने वाली लागत को कम कर गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन का लाभ ले रहे हैं, बल्कि इनका अपेक्षाकृत अधिक बाजार मूल्य प्राप्त कर काले धान की जैविक खेती से सफलता प्राप्त करने का अन्य प्रखंड और जिले के कृषकों के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए आत्मा मधेपुरा द्वारा स्थानीय आवश्यकतानुरूप काले धान की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय कृषक रविशंकर कुमार की राय से भी रूबरू कराते हैं। तो सुनते हैं इनका क्या कहना है। मेरा नाम रविशंकर कुमार है, मेरा घर इटवाज बसर पंचायत गमड़िया प्रखंड से है। हम लोग मधेपुरा जिला से है। हम लोग यहाँ पहले जो पारंपरिक खेती होती थी उससे कोई लाभ नहीं होता था, तो क्या किए कि हमारे यहाँ जो जिला मुख्यालय में आत्मा कार्यालय चलता है उससे संपर्क किए। वहाँ तक जाने हम लोगों को प्रखंड तकनीकी प्रबंधक महोदय के माध्यम से, कृषि समन्वय के माध्यम से वहाँ पहुँचे और वहाँ से जानकारी मिली कि सौ समय कृषि विज्ञान केंद्र एवं अन्य जगहों पर जो कृषि संबंधित प्रशिक्षण होता है, इससे सब्जी उत्पादन तकनीक होता है, हम लोग जो खेती करते धान उत्पादन, गेहूँ उत्पादन, इन सब चीज़ों पर आज भी हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। तो धान उत्पादन में जो हम लोग पहले जो रासायनिक फर्टिलाइजर यूज करते थे तो उससे तो क्षति होती ही थी, साथ ही साथ लागत भी ज़्यादा पड़ता था। तो प्रशिक्षण में, परिभ्रमण में जो हम लोग गए तो इससे देखे और सीखे कि भाई जो हमारे यहाँ मवेशियों के द्वारा गोबर होता है, घर में राख होता है, उसके बाद जो है घर में जो छिलका जो जितना भी चीज़ होता है, पत्ता उत्ता जो भी होता है, उन सब चीज़ को मिलाकर अगर खाद बनाया जाए तो उसमें काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व भी उपलब्ध होता है और खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। तो हम लोग उसको अपनाए और घर में जितना भी जो अपशिष्ट पदार्थ है, फसल अवशेष है, उन सब चीज़ों को सरा गला करके एकत्रित किए, फिर उनको खेत में डाले और उनमें जो धान लगाए उनका बेहतर रिजल्ट ये हुआ कि धान में का जो देख रहे हैं इनका बहुत अच्छा ही बाली भी निकला है और पैदावार भी बढ़ रहा है, जिनसे क्या होता है पैदावार बढ़ने से तो उनकी आमदनी बढ़ना ही बढ़ना है, लागत कम, घरेलू चीज़ होता है उपयोग करते हैं जो बेकार पदार्थ है उसको यूज करके और हम लोग अपना आमदनी बढ़ा रहे हैं। फिर हम लोग का जो समूह है, महिला पुरुष मिला करके समूह बनाए हुए हैं, उनमें तो सब लोग प्रयास करते हैं कि हर प्रशिक्षण में भाग ले, जो नहीं ले पाती है या जो नहीं ले पाते हैं तो उनको हम लोग जो सीख कर आते हैं और बताते हैं और मोटिवेट करते हैं कि भाई आप भी इस तरह से खेती कीजिए और करते हैं, तो हम लोगों के समूह में बेहतर रिजल्ट इसका पाया गया है। और वर्तमान में जो हम लोग काला धान लगाए हुए हैं तो इनका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि फसल अच्छा है तो उत्पादन भी अच्छा होगा ही और बाजार में उनका मूल्य भी अधिक मिलेगा और साथ ही साथ हमारी आमदनी बढ़ेगी। इसे देख और सुनकर यह सहज ही समझा जा सकता है कि काले धान की जैविक खेती से कृषकों की आय को बढ़ाना कितना आसान है।
जरूरत बस इतनी है कि आत्मा मधेपुरा से जुड़ काले धान के खेती की जैविक तकनीक सीख कम लागत से भी गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन के लाभ सहित इनका अधिक बाजार मूल्य प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर ली जाए। तो फिर देर किस बात की, आप भी कदम बढ़ाएं और आत्मा मधेपुरा से जुड़ सबल किसान बन जाएं।